हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार दास ऑन जेडिस टॉक। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात नहीं बताया, दैट कि मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ऐसे कुछ नर्सिंग केयर के बारे में बताऊं या फिर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो कि आप लोगों के काम आएगा या फिर आगे जाके आप लोगों के काम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के जानकारियों में आप रुचि रखते हैं या फिर इस तरह के जानकारियों में आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास हर अपडेटेड न्यू वीडियो मेरा पहुंचता रहेगा और इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी किसी का जान बचा सकते हैं, आप लोगों में भी वो काबिलियत है किसी का जान बचाने का, सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी जानकारियाँ की जरूरत है, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसी का कैसे जान बचा सकते हैं। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरी देखिए, स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, आपके सामने कोई गिर जाता है, ऑफिस में हो, रास्ते में हो और कहीं पे भी कोई गिर के बेहोश हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए उस समय। सो फ्रेंड्स, क्या करना है कि आपके सामने कोई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, आपको उसका नाम पता है तो उसके नाम से उसको पुकारना है, या फिर नाम नहीं पता तो सर या मिस्टर ऐसे कुछ बोल के उनको पुकारना है और फिर उनको कंधे को जोर से हिलाकर उनको पुकारना है। अगर वो आपको रेस्पॉन्ड करते हैं और आप वो कुछ बोलते हैं तो फिर ठीक है, उनको बाद में आराम से हॉस्पिटल लेकर दिखाना है और उनको ट्रीटमेंट देना है। अगर इस तरह से उनको बुलाने से या फिर कंधे को जोर से हिलाने से वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या फिर कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ सीरियस कंडीशन है उनका, मतलब इसका मतलब है कि उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है या फिर उनका लंग्स काम नहीं कर रहा है, इस दोनों वजह हो सकते हैं। तो इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अगर हार्ट नहीं काम कर रहा है तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, अगर लंग्स ने काम नहीं कर रहा है तो उसको हम रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं। सो ये दो वजह हो सकते हैं उनका बेहोश होने का। सो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, अगर ऐसा होता है कि उनको बुलाने से और कंधे को हिलाने से वो नहीं सुनते हैं या फिर रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो तुरंत ही हमको पास में कोई है तो उनको बोलना है या फिर खुद तुरंत ही नजदीकी एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस नंबर को आपके एरिया में जो भी एम्बुलेंस नंबर है उसको कॉल करना है। जैसे कि हमारे एरिया में 108 हम एम्बुलेंस नंबर को कॉल करते हैं तो उसको कॉल करना है और जल्दी से उस जगह पे एम्बुलेंस को बुलाना है। तो फिर एम्बुलेंस आने तक जो समय है वो समय सबसे महत्वपूर्ण है उस आदमी के लिए, उसके जान बचाने के लिए। सो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए, उस टाइम जो मिला हमको हम क्या करेंगे ताकि उस पर्सन का जान बच सके। सो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, जो एम्बुलेंस का कॉल करने के बाद तो हमको क्या करना है, उस आदमी को जो बेहोश हो गए हैं उनको लाकर थोड़ा सा मतलब एक प्लेन चट्टान पे सुला देना है, जैसे कि एक प्लेन सरफेस पे उनको लेटा देना है। फिर उसके बाद उसके बाद उनका कार्डियक उसके कैरोटिड पल्स चेक करना है। अब मैं बताऊंगा आपको कैरोटिड पल्स क्या है और इसे हम चेक कैसे करते हैं। कैरोटिड पल्स होता है कि जैसे हम पल्स चेक करने से हमको पता लगेगा कि उनका जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं और उनका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, तो हमको उनका कैरोटिड पल्स चेक करना है। और कैरोटिड पल्स कहाँ चेक करना है, कैरोटिड आर्टरी में, तो वो कहाँ रहता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। सो हमारे गर्दन मतलब हमारे गर्दन के नीचे यहाँ पे जैसे कि गले का ये है मिड लाइन है, तो मिड लाइन से थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट किसी तरफ है, एक तरफ से आप उसका वो कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। तो इसी पोजीशन में आप ऐसे आपका तीन उंगली रखकर आप उस कैरोटिड पल्स को चेक कर सकते हैं वो ठीक है कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा कैरोटिड पल्स क्या है और कैसे आप चेक करेंगे, तो आपका दिल जैसे धड़कता है उसी तरह का कुछ आपको महसूस होगा वहां पे, अगर उसी तरह का महसूस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कैरोटिड पल्स नहीं है। अभी यहाँ पे दो कंडीशन हुआ, कैरोटिड पल्स फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, और दूसरा है कैरोटिड पल्स महसूस नहीं हो रहा है या फिर फील नहीं हो रहा है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कैरोटिड पल्स महसूस हो रहा है तो क्या करना है और कैरोटिड पल्स महसूस नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, अगर कैरोटिड पल्स महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब उनका हार्ट काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका लंग्स काम नहीं कर रहा है, मतलब उनका सांस लेने में कुछ दिक्कत है। तो पहले हम उनका सांस लेने का सांस ठीक से ले रहे हैं कि नहीं वो हमको चेक करना है, उनका रेस्पिरेशन पैटर्न हमको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो पहले कि उनके छाती को हमको देखना है कि वो छाती फूल रहा है कि नहीं,
फिर उनका सांस लेने का आवाज हमको सुनना है, उनको महसूस करना है कि वो सांस ले रहे कि वहां पे नाक पे हाथ रख के या फिर कुछ भी करके ऐसे करके हम उनको सांस ले पा रहे ले रहे कि नहीं वो को वो चेक करना है, उनका आवाज सुनना है। सो फ्रेंड्स फिर उसके बाद क्या करना है, उनके उनके मुंह में देखना है, अगर मुंह में कुछ अटक गया हो फिर उसके वजह से सांस नहीं ले रहे, अगर कुछ है मुंह में तो उसको निकाल देना है, उनका मुंह को साफ कर देना है। तो ये सब करने के बाद हमको पता चला कि उनका सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत ही अपने मुंह से उनके मुंह में या फिर अपने मुंह से उनके नाक में हवा भरना है जल्दी से। सो हवा कैसे भरेंगे, तो पहले उनको थोड़ा सा पोजिशन देना होगा, मतलब कि उनको सर को थोड़ा सा ऊपर उठा के और चीन को थोड़ा सा उठा के इस तरह के, मतलब उनको थोड़ी को थोड़ा सा उठा के उनको मुंह में डायरेक्ट हवा देना है या फिर नाक में हवा देना है, या फिर नहीं तो जो थ्रस्ट पोजीशन एक है उनका उनका जबड़े को थोड़ा सा ऐसे मतलब ऊपर ढकल कर उनको उनके मुंह में हवा भरना है। तो इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं चीन लिफ्ट या जो थ्रस्ट पोजिशन, हेड टिल्ट चीन लिफ्ट पोजिशन और एक है जो थ्रस्ट पोजीशन। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया और जैसे तस्वीर में दिख रहा है उसी तरह से आप लोगों को यह काम करना है, और ये करके उनके मुंह में या फिर नाक में आपको हवा भरना है तुरंत ही। तो क्या करना है कि आपको 10 से 12 बार आपको हवा भरना है एक मिनट के अंदर, तो एक मिनट के अंदर आपको 10 से 12 बार हवा भरना है। फिर 2 मिनट के बाद आपको उनका पल्स कैरोटिड पल्स जैसे मैंने बोला था उसी तरह से फिर से चेक करना है ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो ये काम हमको कंटिन्यू करना है, हमको क्या करना है मेनली 10 से 12 बार एक मिनट के अंदर उनके मुंह में या नाक में हवा भरना है और फिर 2 मिनट के बाद उनके कैरोटिड पल्स को चेक करना है, ये हमको करते रहना है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा दूसरे कंडीशन के बारे में, अगर कैरोटिड पल्स महसूस नहीं हो रहा है, ये तो मैंने बता दिया अगर पल्स महसूस हो रहा है तो हमको क्या करना है, अगर कैरोटिड पल्स महसूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड उनके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, फिर उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है इसका मतलब है। तो हमें तुरंत ही क्या करना है, कुछ बिना सोचे हमको CPR स्टार्ट कर देना है। तो फिर ये CPR क्या है और इसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे और इस प्रोसीजर हमको क्या करना क्या है, तो मैं डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, पहले तो अगर ऐसा हुआ है कि उनका पल्स नहीं महसूस हो रहा है तो तुरंत ही CPR स्टार्ट करना है। तो CPR में क्या करना है, आपके जिस हाथ में ज्यादा पावर है, मतलब जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं उसी हाथ को क्या करना है, मतलब छाती के बीच में यहाँ पे इस तरह पे आपको रखना है, छाती के बीच में दोनों निपिल के बीच में इस तरह से आपके वो हाथ का हील को, आप हैंड का हील को उस तरह से मतलब प्रेस करके रखना है। फिर आपके दूसरे हाथ को उसी हाथ में हाथ के ऊपर रख के इसे लग कर देना है, देखिए इस तरह से लग कर देना है, लग करके इस तरह के आपको आपके हाथ को पूरी तरह से सीधी करना है ठीक है, उनके छाती के बीच में रख कर। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा झुक जाना है, मतलब जैसे कि ऐसे आप लोगों को ऐसे करके ऐसे आप लोगों को झुकना है, इस तरह से झुकना है कि आपका शोल्डर जो है आपके हाथ के ऊपर रहे और आपका ये जो कोहनी सीधा रहेगा, मतलब पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए इस तरह से। फिर ये करके आप लोग क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके और जितनी हार्ड हो सके आपको उनके छाती को प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करना है, मतलब छाती को जोर से दबाना है, मतलब जल्दी जल्दी से इस तरह से दबाना है कि उनके छाती मतलब कि 2 इंच अंदर घुसे या फिर 4 से 5 सेंटीमीटर के अंदर जैसे घुसे, मतलब इस छाती को इस तरह करके उनका दबाना है। तो मैंने वो पिक्चर दिया है आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है, तो इस तरह से आपको उनके छाती को दबाना है, तो जैसे कि वो 2 इंचेस अंदर घुसे उनके छाती जो 2 इंचेस अंदर घुसे या फिर 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर घुसे, तो इसको हमको जल्दी जितना जल्दी हो सके करना है, इस तरह से करना है कि जैसे कि हम 100 से 120 बार कर सके एक मिनट में, इस तरह के पुश एक मिनट में 100 से 120 बार कर सके, इसी रेट से हमको करना है, समझ पा रहे, मतलब कि एक मिनट में जैसे हम 100 से 120 तक पुश कर सकते हैं इसी रेट से हमको वो छाती को ऐसे मतलब ऐसे
पुश करना है, जैसे कि हम मैंने वो दिखाया है इमेज में उसी तरह से आपको पुश करना है। तो यह कितने बार करना है, तो पहले में इसको हम 30 बार करना है, इस तरह 30 बार पुश करना है। फिर 30 बार पुश करने के बाद फिर दो बार आपको जैसे मैंने बताया था मुंह से मुंह में या फिर मुंह से नाक में आपको हवा भरना है। तो इस हवा भरने के वक्त आपको एक चीज का याद रखना होगा, जैसे कि यह हवा जो आप दे रहे हैं बाहर लीक ना हो। तो ये जो पहले मैंने बताया था वो मैंने भूल गया था, बताया नहीं थेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब आप हवा भर रहे हैं तो जैसे कि आपका हवा लीक ना हो बाहर, जैसे इस तरह से हवा भरिए जैसे कि उस पूरी तरह से हवा उनके मुंह के अंदर या फिर नाक के अंदर जा सके। तो यहां मैं क्या बोल रहा था, तो 30 बार उनको प्रेस करना है। 30 बार प्रेस करने के बाद दो बार उनके मुंह में हवा भरना है, फिर उसके बाद उनके कैरोटिड पल्स जैसे मैंने बताया था चेक करना है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो 30 बार पुश करना और दो बार हवा भरना है, इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। तो एक साइकिल में 30 बार पुश और दो बार हवा भरना है, फिर उसके बाद फिर से उनको कैरोटिड पल्स चेक करना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम हमको 5 साइकिल कंटिन्यू करना पड़ेगा। 5 साइकिल मतलब 150 बार हमको पुश करना है और 10 बार हमको हवा भरना है। 30 बार पुश दो बार हवा भरना, 30 बार पुश दो बार हवा भरना, इस तरह से हम करेंगे। और बीच बीच में हमको कैरोटिड पल्स चेक करना है, 30 बार पुश दो बार हवा भरना, फिर कैरोटिड पल्स चेक करना, 30 बार पुश दो बार हवा भरना, फिर कैरोटिड पल्स चेक करना। तो इसी तरह से हमको 5 साइकिल तक करना होगा मिनिमम। अगर हम चाहते हैं तो एम्बुलेंस पहुंचने तक हम ये काम कर सकते हैं। फिर जब एम्बुलेंस पहुंच जाएगा तो हमको क्या करना है, तुरंत ही उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है, समझे। तो इसी तरह से हम इसी टाइम को उपयोग कर सकते हैं, मतलब एम्बुलेंस पहुंचने तक इसी टाइम को हम इसी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से करने से किसी का जान हम बचा सकते हैं। ये बहुत कोई भी आप में से कोई भी इस काम को कर सकता है, अगर आपने वीडियो को ठीक तरह से समझा और ठीक तरह से महसूस किए कैसे करना है, तो आप लोगों में से कोई भी ये काम कर सकता है जिससे आप किसी का जान बचा सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको आपको सबको सीखना चाहिए और आपको अप्लाई करना, जरूरत पड़ने से आपको अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तो सोचता हूँ कि आई होप कि दैट आप लोग ने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो में। तो इस तरह का वीडियो में आगे भी पोस्ट करता रहूंगा, और आप लोगों को कुछ जानकारी और जरूरत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हैं, आप लोगों को क्या जरूरत है और क्या जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और लाइक तो करते ही रहना, और मुझे इस तरह से आप लोग एनकरेज करते रहिए और मैं इस तरह से आप लोगों के ज्यादातर वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।